आपको मेरी तरफ से, बेगम की तरफ से, जूनियर सुलेमान है, तो उनकी तरफ से, हम तीनों की तरफ से ईद मुबारक। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जी अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते आदाब, सत श्री अकाल और हेलो, आई होप आप लोग ठीक ठाक हैं। हम दोनों बिल्कुल मजे में हैं और आज ओल्ड इज गोल्ड इज बैक। तो we are back with old is gold. काफी बार ऐसा होता है हम कोई गाना डालते हैं वो कॉपीराइट की वजह से ब्लॉक हो जाता है, अब और फिर लोग कहते हैं कि क्यों डिलीट हो गया। हाँ, तो अब अगर ये गाना अब तक पहुंच गया है तो मतलब है कि अभी तक ब्लॉक नहीं हुआ और नहीं होगा, और अगर आपको कल परसों नहीं मिलता तो मतलब ब्लॉक हो गया है। सो आज हम जिस गाने पे रिएक्शन देने जा रहे हैं वो बेसिकली गाना तो नहीं कह सकते, गज़ल कह सकते हैं उसको, और जगजीत सिंह की खूबसूरत आवाज़ जो कि मतलब है कि आप सुनते हैं ना तो आपको साथ आप फील कर सकते हैं उनकी आवाज़ को, वो क्या कहना चाह रहे हैं। आवाज़ ऐसी होती है कि आपको दिल में उतर जाती है। जी हाँ, अर्थ मूवी में भी ये गाना पिक्चराइज किया गया था शबाना आज़मी और राज किरण के ऊपर, और तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तो इसको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, देखने के बाद हम इस पर बातचीत करेंगे। जाहिर सी बात है आप में से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने इसको ना सुना, तो ज़रूर सुनते हैं इसको और उस पर बातचीत करेंगे। Let's start. तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। अच्छा, हैप्पी बर्थडे पूजा, बर्थडे अभी भी ऐसे मिलते हैं। आँखों में नमी, हंसी लबों पर, आँखों में नमी, हंसी लबों पर, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या हाल है क्या दिखा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो। बन जाएंगे जहर पीते पीते, बन जाएंगे जहर पीते पीते, ये अश्क जो पीते जा रहे हो, ये अश्क जो पीते जा रहे हो। जिन जख्मों को वक्त भर चला है, जिन
जिन जख्मों को वक्त भर चला है, तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो। तुम क्यों उन्हें छेड़ जा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो। रेखाओं से मात खा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। Okay, जी, अमेजिंग, परफेक्ट, बहुत परफेक्ट आवाज है, सिचुएशन है। मैं तो बिल्कुल खो गई थी। मैंने ये मूवी नहीं देखी हुई, बहुत मशहूर मूवी थी अपने टाइम की, और क्या सिचुएशन इस गाने में चल रही है मुझे नहीं पता, लेकिन वाकई में शबाना आज़मी जिस तरह मुस्कुरा रही हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट के पीछे उनके चेहरे से पता चल रहा है कि वो कोई गम छुपा रही हैं। और ये लाइफ में भी इस तरह होता है कि अक्सर जो लोग हंस रहे होते हैं हमें उनके पीछे की स्टोरी नहीं पता होती, और किसी को भी कहते हैं ना कि हर किसी से प्यार से पेश आओ, आपको नहीं पता कि उसके अंदर की क्या स्टोरी है या वो मतलब किस चीज़ से गुजर रहा है। तो इस गाने में वही सिचुएशन है, और बहुत प्यारी सिंपल सा गाना, सिंपल सी लोकेशन, और लाइंस इतनी प्यारी कि क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। और उसके अलावा रेखाओं का खेल है मुकद्दर, रेखाओं से मात खा रहे हो, बन जाएंगे जहर पीते पीते ये अश्क जो पीते जा रहे हो, बहुत प्यारी लाइन, जो एक लाइन से ना कनेक्ट कर रही है, मतलब बहुत प्यारा है, और आप आज भी इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। जिन जख्मों को वक्त भर चुका है, तुम क्यों उन्हें छेड़े जा रहे हो, कि मतलब जो जख्म भर गए हैं तो क्यों उनको दोबारा से तुम ताज़ा करना चाह रहे हो। और बहुत जरूरी नहीं है कि अगर एक इंसान बहुत ज्यादा हंस रहा है तो अपनी लाइफ में, मतलब वो बहुत खुश है, कोई भी उसको गम हो सकता है। सही बात है। तो मूवी की सिचुएशन क्या है वो काश मुझे पता होती, आप लोग वो काम करेंगे, और आप लोग अपनी मूवी से रिलेटेड मेमोरीज जरूर हमारे साथ शेयर करेंगे, हमें बहुत अच्छा लगता है उसको पढ़ते हुए। दोनों एक्ट्रेस बहुत प्यारे तरीके से दोनों ने एक्सप्रेशंस दिए इसमें, राज किरण अपने टाइम के बेहतरीन एक्टर, और शबाना आज़मी दोनों लाजवाब एक्टर्स, और गाना बहुत बेहतरीन, जगजीत सिंह की आवाज़ लाजवाब। और आप लोगों की यकीनन बहुत सारी मेमोरीज ताज़ा हुई होंगी जिसको आप हमें बताएंगे कमेंट्स में, हम उन्हें पढ़ेंगे और एक और ओल्ड इज गोल्ड लेके नेक्स्ट वीक आ जाएंगे। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें, ब्लॉग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, वहाँ लेटेस्ट व्लॉग्स आ रहे हैं और आते रहेंगे अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और प्यार देंगे। इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करेंगे, फोटोज एंड अपडेट्स, एक और रिएक्शन लेकर आएंगे। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।